हाय, हेलो, वेलकम, नमस्कार टू सोनिया सिग्नेचर डिशेस। फ्रेंड्स, आज हमारी जो न्यूट्रिशियस हेल्दी रेसिपी है, जो कि बहुत ही इंस्टेंटली भी बनती है और हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस भी है। रागी को इंग्लिश में फिंगर मिलेट, मराठी में नाचनी बोलते हैं और हिंदी में रागी ही कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही गुणकारी है और वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये, और कैल्शियम और आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में होती है। ये इंस्टेंटली बन जाते हैं, तो ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी हो सकती है, किड्स टिफिन बॉक्स के लिए भी दे सकते हो। तो ये रेसिपी कैसी बनती है देखते हैं। ये रागी का जो हेल्दी टेस्टी और न्यूट्रिशियस नाश्ता है वो बच्चों के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन बड़े और बूढ़ों के लिए भी बहुत ही न्यूट्रिटिव है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने 2 कप सिवैया ली है, वो है रागी की सिवैया। ये किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाती है। उसी के साथ करी पत्ते और 2 मिर्चियाँ, और सीजनिंग के लिए राई, उड़द की दाल और चने की दाल ली है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। इसमें मैंने स्प्राउट्स जो आते हैं वो लिए हैं। यहाँ मैं कुछ पतंगे की फलियाँ, ग्रीन मूंग दाल को स्प्राउट्स लाया है, और ये सारे सब्जियाँ हैं जैसे बीन्स, पटेटोज, कैरेट्स और अनियंस और बीन्स, फ्लैट बीन्स। अभी यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन में 2 कप पानी लिया है। 2 कप पानी में मैं स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। 1 कप रागी सिमैया के लिए 1 कप ही पानी लगता है। इसको बॉईल होने देना है। पानी उबलने तक एक पैन में हम 2-3 चम्मच तेल और उसमें उड़द की दाल, राई और चना दाल डाल के थोड़ा सा ये चटक जाने के बाद इसमें हम डालेंगे करी पत्ते और मिर्चियाँ, और इन सबको सौते करना है। उड़द की दाल को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने के बाद ही इसमें करी पत्ता और मिर्चियाँ डालें। अभी उड़द की दाल गोल्डन ब्राउन हो गई है, उसमें डालेंगे थोड़ा प्याज और फ्लैट बीन्स। इसको अच्छी तरह से सौते करेंगे और 2 मिनटों तक इसको कुक होने के लिए छोड़ेंगे। उसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और इसको मिक्स करके कुक होने दें। 2 मिनटों के बाद अभी इसमें डालेंगे सारे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 मिनटों के लिए ढक्कन ढक के कुक करने के लिए छोड़ देंगे। ये एक बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस नाश्ता है। मैगी के बदले बच्चों को ये दे के देखिए, और वेजिटेबल्स के साथ उनको मैगी का मज़ा भी आ जाएगा। 3 मिनटों के बाद अभी सब्जियां अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अभी इसमें डाल देंगे रागी की सिमैया, उसको भी हमें रोस्ट करके लेना है। इसी ऑयल में, यानी 1 में 2 काम हो जाएंगे, गैस भी बच जाएगा और इसको सेपरेट रोस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको रोस्ट करेंगे 5 मिनटों। 5 मिनट अभी हो गए हैं और हमने जो पानी रखा था बॉईल होने के लिए वो भी बॉईल हो चुका है। अभी बॉइलिंग वाटर इस रोस्टेड वर्मिसली में डाल लेंगे और इसको ढक के रख देंगे 2 मिनटों के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। एक्यूरेटली 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनटों के बाद ही इसको खोलना है। ज़्यादा वक्त ना रखें, क्योंकि नहीं तो ये खिले खिले नहीं बनेंगे, ये वर्मिसली आपस में चिपक जाएंगे। तो हाथ हिलाते वक्त भी इसमें से बहुत ही लाइटली घुमाएं ये कड़ची, वरना ये चिपक जाते हैं, ज़्यादा ना घुमाएं। तो फ्रेंड्स, ये टेस्टी न्यूट्रिशियस रागी वर्मिसली का जो उपमा है वो आपको कैसा लगा, मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।